इज आर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अब बेटा आपने यहाँ पर यही देखना कि प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कैसे होती है। हमने इस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये कवर करना होता है प्लांट्स जो कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कैसे करते हैं। टाइटल समझिए बेटा गौर से, टाइटल का मतलब ये नहीं बनता कि आपने समझना है कि प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे हो रही है। आपने ये तो जाहिर सी बात है ये तो आपका पर्सपेक्टिव तो है, लेकिन आपका मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये रहने वाला है आपने प्लांट की कैटेगरीज को समझना है जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं और फिर वो खुद को उसमें रेगुलेट करती हैं। जैसा कि पानी के अंदर पाई जा सकती हैं, पानी के करीब हो सकती हैं, पानी से दूर हो सकती हैं, मॉडरेट इन्वायरमेंट में हो सकती हैं, हमने इन तमाम चीज़ों को देखा है। तो बेटा अब अगर हम इनकी कैटेगरीज की बात करें तो इनकी बुनियादी तौर पर जो मेन कैटेगरीज है उनको स्टडी कर लेते हैं। क्लास टेंथ के अंदर ये पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें नहीं होगी बाकी पुरानी हैं, आप लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट करना साथ नोट करने की जरूरत नहीं है लेक्चर के वाले। बड़ा सबसे पहली बात हाइड्रोफाइल्स, ऐसे पौधे जो कहाँ पर पाए जाते हैं पानी के अंदर या पानी के करीब पाए जाएंगे उन प्लांट्स को आप क्या नाम देंगे हाइड्रोफाइल्स का नाम दे देंगे। अब बेटा पहला पॉइंट, हाइड्रोफाइल्स को क्या कभी पानी की कमी का सामना हो सकता है? नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये जो हाइड्रोफाइल्स होते हैं ये सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट हो सकते हैं बेटा, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हो सकते हैं। दूसरे बेटा ये हमारे साथ हो सकते हैं फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर बेटा ये हो सकते हैं फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। इसके आगे तीन मेन कैटेगरीज हो सकती हैं। तो बेटा सबमर्ज्ड प्लांट कौन से होते हैं? पहली बात हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे जो पानी के करीब या पानी के अंदर पाए जाते हैं, द प्लांट्स दैट इज प्रेजेंट नियर द वाटर और इनसाइड द वाटर या इन द वाटर इज नोन एज अ हाइड्रोफाइट्स। देयर इज अ मेन थ्री टाइप्स। नंबर वन इज अ सबमर्ज्ड प्लांट, ऐसे प्लांट, ऐसे हाइड्रोफाइट प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, सबमर्ज्ड हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं मुकम्मल तौर पर, उनको नाम देंगे सबमर्ज्ड प्लांट। उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट, ऐसे प्लांट बेटा जो फ्लोट तो कर रहे हैं लेकिन आजादाना तौर पर फ्लोट किए जा रहे हैं, वो होंगे फ्री फ्लोटिंग प्लांट। और तीसरा प्लांट ऐसे प्लांट बेटा जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, सही है, उनके पत्ते वगैरह पानी के ऊपर हैं लेकिन वो फिक्स हैं रूट की मदद से किसी साइड में या कहीं पर फिक्स होंगे, उनको आप क्या नाम देंगे? फिक्स फ्लोटिंग प्लांट का नाम दे देंगे। तो हाइड्रोफाइट्स की तीन मेन कैटेगरी, सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग एंड फिक्स फ्लोटिंग। ठीक है, पेपर के अंदर यह टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्लास टेंथ में पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल सेशन होगा बेटा जब आपने प्रैक्टिकल देने जाना है तो सेकंड ईयर का सबसे पहला प्रैक्टिकल जो है वो यही रहने वाला है, तो ये इसके ऊपर आपने अच्छे से याद कर लेना अभी से। ओके, अब बेटा इसकी आपने अगर एक टॉपिक फॉर एग्जांपल ऐसा लॉन्ग आ जाता है पेपर के अंदर तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसके टाइप्स का सिर्फ नाम लिखेंगे डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर तीसरी हेडिंग जो होगी ना वो आपकी रहने वाली है अडॉप्टेशन। क्या आप लिखेंगे बेटा? अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन में आप क्या लिखेंगे बेटा? इनको पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ता, इनकी बॉडी में पानी एक्स्ट्रा होता है। अब पानी एक्स्ट्रा है तो उसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के नंबर में क्या होंगे? ज्यादा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? स्टोमेटा आर मोर इन नंबर, स्टोमेटा आर मोर इन नंबर, स्टोमेटा नंबर में क्या होंगे? ज्यादा रहने वाले हैं। बेटा दूसरा पॉइंट में क्या लूंगा? पहली बार स्टोमेटा नंबर में ज्यादा होंगे। अब दूसरा पॉइंट, स्टोमेटा जो होंगे वो किस साइड पर पाए जाएंगे? पत्ते की ऊपर वाली साइड के ऊपर। सो स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ लीव, तो लीव की ऊपर वाली साइड के ऊपर बेटा ये आपको देखने में मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, जो लीव्स का साइज होगा वो क्या होगा? बड़ा। ठीक है, सो लीव्स आर लार्ज इन साइज, ये साइज में क्या होंगे? बहुत बड़े पाए जाएंगे। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में मैं आपको लिखवा देता हूँ आजकल कौन सा मौसम चल रहा है, राइस। किसी ने चावलों को लगा के देखा हुआ है? चावल पानी के अंदर लगते हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। इसके अलावा आपको बच्चों वाले एग्जाम्पल आपने पढ़ी हुई है, हाइड्रेला है ना, हाइड्रेला एक्सेट्रा, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद बेटा दूसरे प्लांट जो होते हैं उनको आप नाम देंगे मेसोफाइट्स का, मेसोफाइट्स। बेटा मेसोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं, मेसो मॉडरेट,
ऐसे प्लांट्स जो किस एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मॉडरेट एनवायरनमेंट। बेटा मॉडरेट एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जैसे कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये वाला जो एनवायरनमेंट है हमारा एनवायरनमेंट, ये कौन सा एनवायरनमेंट है, मॉडरेट है। पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो पौधों को पानी ज्यादा अवेलेबल है ना ही कम अवेलेबल है, दरमियानी अमाउंट के अंदर होता है। जब प्लांट को पानी दरमियानी अमाउंट के अंदर अवेलेबल होगा उसको आप क्या नाम देंगे, मॉडरेट एनवायरनमेंट का नाम देंगे। अब इन प्लांट को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इनके पत्ते ना तो बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। दूसरा पॉइंट, स्टोमेटा के नंबर नॉर्मल होते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो पत्ते के नीचे वाले साइड पर पाए जाते हैं, और इन प्लांट्स की जड़ें होती हैं बड़ा वो लंबे होती हैं। सही है, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इन प्लांट्स के अंदर, ताकि ये पानी को एब्जॉर्ब कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर नंबर 8 क्लास 11 बायोलॉजी में से उठाएंगे कि जो मेसोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें से 95% प्लांट ऐसे होते हैं जो कौन से एसोसिएशन में होते हैं, माइकोराइजल। कौन से एसोसिएशन में, माइकोराइजल। 95% प्लांट जो होते हैं ना मेसोफाइट में वो माइकोराइजल एसोसिएशन में होते हैं, याद रखिएगा, माइकोराइजल एसोसिएशन। और हम पे क्या बोलेंगे कि एक्सटेंसिव रूट सिस्टम इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, इसके एग्जांपल बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, लिखवा दो अपने एनवायरनमेंट में, ठीक है, पाया जाता है ना। उसके बाद मैंगो एक्सेट्रा, सबसे बढ़िया मैंगो कौन सा होता है, सबसे बढ़िया आम हमारे एरिया का सबसे बेहतरीन आम का नाम बताओ, अनवरिटोल, क्या नाम है, अनवरिटोल, समझा की बात, अनवरिटोल। ओके बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगले जो प्लांट की कैटेगरी है दैट इज जीरो फाइव्स, कौन से होंगे, जीरो फाइव्स प्लांट। जीरो फाइव प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो शॉर्टेज ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर, इनके पानी की कमी होती है। ये दूसरे फाज में मैं कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि दे आर प्रेजेंट इन टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, जो ऐसी जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर पानी की कमी होती है, जैसे कि डेजर्ट। पाकिस्तान के अंदर डेजर्ट कितने हैं, चार, मेनली तौर पर कितने पढ़ाए जाते हैं, तीन, कौन कौन से, नंबर वन रोही, नंबर वन कौन सा है, रोही, नंबर सेकंड थार, नंबर थर्ड और थल, रोही को चोलिस्तान कहते हैं, कहती है चोलिस्तान चौथा है हमारा, रोही को कहते हैं, आपको पानी वगैरह की शॉर्टेज हो जाए तो वहां पर आपको मोटे मोटे पौधे देखने को मिलेंगे, आपने कार्टून के अंदर लास्ट में देखे होंगे ऐसे ऐसे बढ़िया किस्म है ना, कैक्टस प्लांट, 10th क्लास में आपने नाम सुना है कैक्टस का, कार्टून में आपने ऐसे देखे होंगे है ना। तो क्या हमें उनका पानी पी के उनको बचा लेना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, क्या उनका पानी पीना हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस चीज़ के बारे में बचा है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। नहीं करना चाह रहे, पहली बात ये रेगिस्तान के अंदर अगर ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है उसको मत इस्तेमाल करिए। नीचे आपका एक छोटा भाई बैठा हुआ है, वो इधर से रोही से ही है, वो आ रहा था कि उसको कांटा लग गया, रेगिस्तानी कांटा, रेगिस्तानी कांटे के लगने से उसको बुखार हो गया, सिर्फ कांटा छुबा है और कुछ नहीं हुआ, और उसको बुखार तेज हो गया था। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कितना खतरनाक है। तो बेटा पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, रेगिस्तान के अंदर आपको लगेगा कि फलां जगह पर पानी है, जैसे कि अक्सर रोड में लगता है लेकिन होता नहीं है, उसका कारण ये होता है कि गर्मी की वजह से ईट जो है वो वेव्स की फार्म ऊपर की तरफ उठ रही होती है और आपकी आंखों के इल्यूजन से होता है कि यार वहाँ पे पानी है लेकिन नहीं होता। तो पानी की निशानी ये होती है, आप ऊपर आसमान की तरफ देखिए, जहाँ पर भी पानी होगा वहाँ पे आसमान जो होगा वो बहुत ब्राइट होगा, याद रखिएगा। अगर किसी ने आपको अगवा वगैरह कर लिया ना कल, तो पहली बात यह कि आपको राजनपुर लेके जाएंगे, कहाँ पर लेके जाएंगे, राजनपुर। राजनपुर कहाँ पर है, पंजाब सिंध और बलोचिस्तान की सरहद पर एक इलाका है जिसका नाम क्या, कच्चे का इलाका, सुना होगा नाम, उसको कहते हैं राजनपुर। आपको वहाँ से निकलना कैसे, आसमान की तरफ देखो, आसमान ये नहीं है आसमान, इधर देख रही है, आसमान की तरफ देखिए, आसमान का जो इलाका ब्राइट नजर आ रहा है, बहुत चमकता, आपने
वहां पे सोचना है कि यहाँ पे पानी है, उस तरफ भागेंगे। जब आप उस तरफ भागोगे पानी मिलेगा, पानी के करीब हमेशा इंसानी बस्ती जरूर मिलेगी, वहां पे बचने के चांसेस हो सकते हैं, वैसे नहीं बच सकते। समझ आ गया? नहीं नहीं, आपको हम बता देते हैं ना, ट्रिक समझा रहे हैं। तो रेगिस्तान के अंदर भी अगर ऐसा हुआ, सबसे पहले आसमान पे देखिए जो ब्राइट नजर आ रहा है उस तरफ भागिए, फिर आपको वहां पर परिंदे नजर आ रहे हैं फिर उस तरफ जाइए, फिर आपको बेटा वहां पर पानी मिल सकता है। और आखिरी बात, इनको क्योंकि पानी की कमी होती है, इन प्लांट को स्टोमेटा जो होंगे वो नंबर में क्या होंगे, काफी कम होंगे। इनके पत्ते जो होंगे वो मोटे होंगे, जो रूट्स होंगे वो एक्सटेंसिव लंबी होंगी, नंबर ऑफ स्टोमेटा इनके अंदर क्या होंगे, कम होंगे, पत्ते की नीचे वाली साइड पर पाए जाएंगे। और पानी स्टोर करने के लिए इनके अंदर एक स्पेशल किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जिनको नाम देते हैं सर्कुलेंट ऑर्गन्स। क्या नाम दिया जाएगा? सर्कुलेंट ऑर्गन। सर्कुलेंट ऑर्गन्स में बेटा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और पंछिया वगैरह और जो आपको बुक के अंदर कैक्टस वगैरह लिखा गया है बेटा, वो इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसे क्लियर नाम। और आखिरी एक पौधे होते हैं जिनका एक नाम सुन लीजिए, हेलोफाइट्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स में ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो समुद्र में अंदर पाए जाते हैं, मिराइन जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं उसको हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। हेलो का लफ्ज़ हेलाइन से निकला है, हेलाइन का मतलब होता है साल्टी, तो जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं उनको हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। इसे क्लियर?